यहाँ आपको दिया गया है कि ए स्टार बी की डेफिनेशन दी गई है कि वो मैक्स ए और बी का जो मैक्स होगा वो प्रोड्यूस करेगा। जो आपके पास ए ऑपरेशन बी है, ओ कोई भी ऑपरेशन है, वो डिफाइन किया गया है ए स्टार बी प्लस थ्री, मतलब एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक ऑपरेशन के थ्रू डिफाइन किया गया है। खैर हम लोग देख लेंगे, हमें निकालना क्या है, फाइव ऑपरेशन टेन निकालना है ना, तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा आपके लिए ये क्वेश्चन हो गया कि आप इसे बाद में, चलिए आंसर पहले हम लोग निकालते हैं। तो फाइव ऑपरेशन टेन क्या लिखेंगे आप, इस डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज फाइव स्टार टेन और प्लस थ्री। यहाँ से क्या प्रोड्यूस होने वाला है, यहाँ से प्रोड्यूस होगा आपका जो मैक्सिमम है फाइव और टेन में, तो फाइव और टेन में लार्जर नंबर कौन सा है आपका, टेन है, तो हम कहेंगे टेन हो गया, और प्लस थ्री, तो दैट इज योर आंसर 13। आगे आप देखिएगा कि ये जो ऑपरेशन आपको ए ऑपरेशन बी दिया गया है ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, ये आप देख के कमेंट करिएगा।